हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। MG हेक्टर लॉन्च हो चुकी है और काफ़ी चर्चा में है। आज हम इसे कंपेयर कर रहे हैं दो ऐसी SUVs के साथ जो इसी सेगमेंट की हैं और खुद काफ़ी चर्चा में है। एक है जीप कंपस और दूसरी है टाटा हैरियर। इन तीनों में से आपके लिए कौन सी SUV ज़्यादा सूटेबल है और कौन सी बेस्ट वैल्यू है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया गियर फ्लिक को तो अभी कर लीजिए। कई लोगों के मन में ये दुविधा है कि अगर इन तीनों में से एक SUV लेनी है तो कौन सी लेनी है, इस वीडियो में हम देखेंगे। कीप वॉचिंग। अब अगर डिज़ाइन की बात करें इन तीनों SUVs की, तो ये तीनों ही यूनिक हैं। जीप कंपस की अगर आप डिज़ाइन देखें तो ये एक ओल्ड स्कूल SUV है। इसके जो लुक्स हैं काफ़ी प्रीमियम है, एक कॉम्पैक्ट SUV है ये, और जो इसकी डिज़ाइन है ओवरऑल ये बहुत ही प्लीजिंग है। जो इसके प्रपोर्शंस हैं ये काफ़ी नीटली बैलेंस्ड है, वेल बैलेंस्ड है, एंड किसी भी एंगल से ये SUV काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी लोगों को ये अपील भी करती है। इसका जो फ्रंट लुक है, इसमें जीप का 7-स्लैट ग्रिल है और इसकी वजह से ये और भी ज़्यादा इम्पोजिंग लगती है। सो ओवरऑल जीप कंपस हैज़ द मोस्ट वेल बैलेंस्ड लुक्स। इन कंपैरिजन अगर हम टाटा हैरियर को देखें तो इसके जो लुक्स हैं ये बिल्कुल पाथ ब्रेकिंग है। ये बहुत ही मॉडर्न लुकिंग SUV है। जो इसके प्रपोर्शंस हैं ये बड़े हैं, इम्पोजिंग लुक्स हैं इसके। इसका रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, एक बड़े साइज़ की SUV लगती है ये, स्पेशियस भी है। और इसके जो स्टाइल एलिमेंट्स को देखेंगे, स्पेशली जो फ्रंट है इसका, ये बहुत ही यूनिक है। इसके हेडलाइट्स जो है नीचे माउंटेड है और ऊपर इसके स्लीक DRLs हैं। जो इसका ग्रिल है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन का है। ओवरऑल पीछे से भी ये बहुत अट्रैक्टिव लगती है, स्पेशली जो ब्लैक पोर्शन है इसके टेल गेट पे, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। एंड ओवरऑल हैरियर एक बहुत ही अट्रैक्टिव लुकिंग SUV है। अब MG हेक्टर के जो लुक्स हैं ये थोड़े से मिक्स्ड हैं। इसका जो फ्रंट पोर्शन आप देखेंगे ये बहुत ही इम्पोजिंग है, क्योंकि इसका ग्रिल बहुत बड़ा है। इस पर आपको क्रोम एलिमेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। जो इसका हेडलैम्प सेटअप है ये हैरियर की तरह ही है, मतलब हेडलैम्प इसके नीचे हैं और जो DRLs है ये ऊपर की तरफ माउंटेड है। साइड से ये थोड़ी सी ऑड लगती है, क्योंकि इसके जो व्हील्स हैं ये बॉडी के साइज़ के कंपैरिजन में थोड़े छोटे लगते हैं। पीछे से ये अट्रैक्टिव लगती है, बट कुछ एलिमेंट्स थोड़े से ओवरडन हैं। ओवरऑल इसके जो लुक्स हैं ये थोड़े से मिक्स्ड हैं, कुछ लोगों को पसंद आएंगे, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएंगे। हाउएवर जो डिज़ाइन या स्टाइलिंग होती है ये एक पर्सनल चॉइस होती है, तो ये आप पे निर्भर करता है कि इन तीनों में से आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है। जीप कंपस के इंटीरियर्स बहुत रोबस्ट लगते हैं, टफ लगते हैं, दे आर वेल पुट टुगेदर, और जो एक लुक है इसका काफ़ी प्लीजिंग है। IP जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ये सिंपलिस्टिक है, दो डायल्स हैं इसमें और बीच में एक ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम का स्क्रीन है। इसका स्टेयरिंग व्हील है, दिस फील्स गुड, ये पकड़ने में अच्छा लगता है। जो इसकी फील है ये भी काफ़ी अच्छी है। इस स्टेयरिंग में आपको एडजस्टमेंट दोनों तरह के मिल जाएंगे, यानी रेक और रीच के दोनों एडजस्टमेंट मिल जाएंगे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। सेंटर में एक टच स्क्रीन आता है जो साइज़ में थोड़ा छोटा है और इसकी फंक्शनैलिटी भी बेसिक है, पर इसमें जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है ये डुअल जोन वाला है। सीट्स जो है इसके कंफर्टेबल हैं, काफ़ी स्पोर्टी भी लगते हैं। हाउएवर स्टोरेज स्पेसेस इस गाड़ी में आपको काफ़ी लिमिटेड मिल जाएंगे। पीछे की अगर हम बात करें तो इसमें स्पेस काफ़ी लिमिटेड है, स्पेशली लेग रूम अगर रियर पैसेंजर्स की बात करें तो। ओवरऑल कंपस एक पर्सनल यूज़ व्हीकल ज़्यादा है। अगर आप अकेले चलाते हैं, सेल्फ ड्राइव करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत सूटेबल है। इसके टॉप एंड वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ आता है और ड्राइवर सीट के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट भी। हाउएवर इसमें क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बूट स्पेस भी इसका काफ़ी एडिक्वेट है, सिटी यूज़ और शॉर्ट रन्स के लिए ये काफ़ी स्पेशियस है। हैरियर के इंटीरियर्स काफ़ी स्पेशियस हैं। जो इसका कैबिन है काफ़ी प्लश लगता है, बहुत जैजी डिज़ाइन नहीं है बट काफ़ी क्लासी लगते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल इसके जो ये वुड फिनिश दिया हुआ है डैशबोर्ड के सेंटर में, ये काफ़ी अच्छा लगता है। जो इसका टच स्क्रीन है ये काफ़ी बड़ा है और फ्लोटिंग टाइप के डिज़ाइन का है, इट लुक्स रियली गुड। जो इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल है ये भी काफ़ी सिंपलिस्टिक है, इसमें एक बड़ा सा स्क्रीन आता है जो कॉम्प्लीमेंट करता है इसके मेन टच स्क्रीन को, और इसमें ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम मिल जाती है आपको। इसमें डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स आते हैं और उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं एक नॉब के द्वारा।
उसके पीछे गियर का लीवर है और उसके पीछे एक हैंडब्रेक का लीवर है जो काफ़ी यूनिक स्टाइल का है, लेकिन ये यूज़ करने में थोड़ा सा टैकी लगता है, इट्स नॉट द बेस्ट वन टू यूज़। स्टोरेज स्पेसेस आपको इसमें काफ़ी मिल जाएंगे और एक कैबिन की जो फील है ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी है, स्पेशली ये जो परफोरेटेड लेदर की जो फिनिश है ये काफ़ी प्रीमियम और रिच लगती है। पीछे की अगर बात करें तो स्पेस इसमें बहुत है, लेग रूम आपको काफ़ी सारा मिल जाएगा, पीछे एक पैसेंजर्स काफ़ी इसमें कंफर्टेबल रह सकते हैं, सीट में 60-40 स्प्लिट इसमें मिल जाता है आपको, सेंटर में एक आर्मरेस्ट है, तो इन टर्म्स ऑफ स्पेस दिस डज नॉट कॉम्प्रोमाइज एट ऑल और ये काफ़ी स्पेशियस कैबिन है। कुछ ग्लिचेज इसमें और है, फॉर एग्जांपल इसका जो रेयरव्यू मिरर है, आउटसाइड रेयरव्यू मिरर है, ये काफ़ी इंक्लूड करता है जब आपको बाहर देखना हो टर्न करते समय, तो इसकी ऑल राउंड विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है गाड़ी की। रियर स्पेस के अलावा इसका जो बूट स्पेस है ये भी काफ़ी एडिक्वेट है, काफ़ी बड़ा है इसका बूट, एंड आपके वीकेंड लगेजेस या आपको अगर कहीं टूरिंग करना है तो उस हिसाब से इसका जो बूट स्पेस है ये काफ़ी अच्छा है। इसका जो ऑडियो सिस्टम है ये काफ़ी अच्छा है, JBL के स्पीकर्स आते हैं इसमें, एंड दैट इज़ वन प्लस पॉइंट अबाउट दिस कार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके लिए इंटीरियर स्पेस बहुत ज़रूरी है तो हैरियर आपको काफ़ी अच्छी तरह सूट करेगी। हेक्टर के जो इंटीरियर्स हैं ये बहुत वेल पुट टुगेदर हैं, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स है ये भले ही बेस्ट नहीं है लेकिन जो फिट एंड फिनिश है इसकी ये बहुत ही अच्छी है। सेंटर में एक बड़ा टच स्क्रीन है जो बिल्कुल इम्पोजिंग लगता है और बिल्कुल आई कैचिंग है, ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल है ये भी काफ़ी स्पोर्टी लगता है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन का है। जो ड्राइव इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये भी काफ़ी डिटेल्ड है, एंड ओवरऑल जो एक लुक एंड फील आपको इस गाड़ी में मिलता है ये थोड़ा सा प्रीमियम मिलता है। सीट्स इसके कंफर्टेबल हैं, इसमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाता है, स्टेयरिंग व्हील जो है इसका काफ़ी कंफर्टेबल है, दिखने में भी अच्छा है, प्रीमियम लगता है, और इसमें आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट्स दोनों मिल जाते हैं। तो ओवरऑल एक बिल्ड क्वालिटी की जो बात करें ये काफ़ी टफ लगती है। इसके जो डोर्स हैं ये काफ़ी हैवी हैं, तो जब आप इन्हें बंद करें या खोलें तो आपको एक सिक्योरिटी की फीलिंग ज़रूर आती है इस गाड़ी में। पीछे भी ये बहुत स्पेशियस है, इनफैक्ट अपने सेगमेंट की सबसे स्पेशियस गाड़ी है अगर आप पीछे का स्पेस कंसिडर करें तो। इसके जो पीछे के सीट्स हैं ये रिक्लाइन भी होते हैं, 60-40 स्प्लिट आपको इसमें मिल जाता है, और जो बूट स्पेस है इसकी ये भी काफ़ी बड़ी है, इनफैक्ट सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट हेक्टर का ही है। इसके अलावा इसका जो हाईलाइट फीचर है वो है इसका पैनोरामिक सनरूफ जो सेगमेंट में पहली बार देखा गया है और ये काफ़ी बड़ा है। फीचर्स इसमें बहुत सारे आते हैं, फॉर एग्जांपल इसका जो ये बड़ा टच स्क्रीन है, दिस इज़ अ कनेक्टेड कार, तो इससे आपको फंक्शनैलिटी बहुत सारी मिल जाती है, एक ऐप के द्वारा आप ये पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसमें फंक्शनैलिटीज़ बहुत सारी हैं, इसे आई स्मार्ट कहते हैं और हमने अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है इसकी फंक्शनैलिटीज़ को डिटेल करते हुए। इसके अलावा कुछ और हाइलाइट्स हैं इस गाड़ी के, इसमें ऑटोमेटिक टेल गेट ओपनिंग आपको मिल जाएगी और जो इसका फ्लोर है पीछे का ये बिल्कुल फ्लैट है, तो जो थर्ड पैसेंजर सेंटर में बैठेगा उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जीप कंपस में दो इंजन ऑप्शन आते हैं, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल 1.4 लीटर का इंजन है, टर्बो चार्ज्ड, और इसमें आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के ऑप्शंस मिल जाते हैं, 6 स्पीड मैनुअल है और एक 7 स्पीड DCT है। डीजल इंजन इसका 2 लीटर्स का है और इसमें 170 BHP का पावर है। डीजल इंजन जो इसका है ये वही इंजन है जो हैरियर और हेक्टर में भी है, हाउएवर हैरियर में ये थोड़ा कम स्टेट ऑफ ट्यून में है। कंपस एक फन टू ड्राइव कार है, इसका जो पिकअप है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा टर्बो लैग आपको ज़रूर मिलेगा बट एक बार ये 1800 या 2000 RPM क्रॉस कर लेती है फिर जो पंच मिलता है आपको इंजन से ये काफ़ी अच्छा है। मैं डीजल की बात कर रहा हूँ, अगर पेट्रोल की हम बात करें तो पेट्रोल ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मिंग इंजन है लेकिन उसमें भी आपको लैग काफ़ी प्रोनाउंस्ड मिलेगा। जीप कंपस की जो राइड एंड हैंडलिंग है ये इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसका स्टीयरिंग फीडबैक है काफ़ी प्रिसाइज है, जब आप कर्व्स लेते हैं या शार्प टर्न्स लेते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आता है इसे चलाने में, और जो इसका सस्पेंशन सेटअप है ये भी काफ़ी अच्छा है। स्लो स्पीड्स पे आपको थोड़े जर्क्स ज़रूर महसूस होंगे, थोड़ा स्टिफ लगता है ये, पर हाईवे पे ये बहुत ही अच्छी चलती है। लैटरल मूवमेंट इस गाड़ी में बहुत कम है और बहुत फ्लैट राइड है इसकी, तो इसलिए आपको कंफर्टेबल रखती है ये, स्पेशली लॉन्ग राइड्स पे और हाईवेज पे। और जिस तरह से ये पॉट होल्स या गड्ढों को हैंडल करती है ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। जीप कंपस डीजल में हाईवे पे आपको 16-17 किलोमीटर का माइलेज मिल जाएगा और सिटी के अंदर 12-13 का। इसका पेट्रोल वर्जन में 15 किलोमीटर का माइलेज मिल जाएगा हाईवे पे और 10-11 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा आपको सिटी में। एक और अच्छी चीज़ है इसके NVH लेवल्स, क्योंकि इसका जो कैबिन है ये काफ़ी साइलेंट है, इंजन की आवाज़ भी लिमिटेड आती है अंदर, तो रोड की आवाज़ है या फिर टायर की नॉइज़ है ये अंदर नहीं आती है, तो इसलिए आपको और भी ज़्यादा कम्फर्टेबल फील होता है इस गाड़ी चलाते वक्त। बट ओवरऑल कंपस इज़ अ गुड हाईवे क्रूज़र। अब इसमें एक और नया वर्जन आता है ट्रेल हॉक, जिसमें एडवांस्ड 4x4 है। ऑफकोर्स 4x4 इसके रेगुलर डीजल वर्जन में भी आता है, हाउएवर इसमें लो रेंज नहीं है, लो रेंज आपको ट्रेल हॉक में मिलेगा और वो एक हार्ड कोर 4x4 है।
उसमें आपको एक 9-speed का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी मिल जाता है डीजल के साथ। सो आपको अगर जीप कंपस फैमिली में देखें तो आपको ऑप्शंस पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल, ये सारा कुछ मिल जाता है। बट यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट। इसकी जो प्राइस है ये हेक्टर और हैरियर से काफ़ी ज़्यादा है। टाटा हैरियर में 2 लीटर का डीजल इंजन आता है जिसमें 140 BHP का पावर है। इसमें 6-speed का मैनुअल गियरबॉक्स लगा हुआ है। ऑटोमेटिक का ऑप्शन अभी तक इसमें अवेलेबल नहीं है। इसकी जो पावर डिलीवरी है ये काफ़ी लीनियर है, सडन पंची पावर डिलीवरी आपको इसमें नहीं मिलेगी। पर इसका जो लो एंड टॉर्क है ये काफ़ी अच्छा है, इसकी वजह से जो इसकी ड्राइवेबिलिटी है ये काफ़ी अच्छी है। टर्बो लैग इसमें आपको थोड़ा महसूस होगा 2000 RPM के नीचे, और जब इसका टर्बो किक इन होता है तो ये एक स्मूथ तरीके से, लीनियर तरीके से पुल करती है। हाउएवर जो इसका इंजन है ये बहुत स्मूथ फील नहीं होता है, थोड़ा सा कोर्स या थोड़ा सा रफ महसूस होता है। और इसकी जो इंजन की आवाज़ है ये भी कैबिन में काफ़ी आती है। इनफैक्ट जो इसके NVH लेवल्स हैं ये इतने अच्छे नहीं है, ये और अच्छे हो सकते थे। टायर नॉइज़, विंड नॉइज़, ये सारा कुछ काफ़ी इंक्लूड करता है इस गाड़ी के अंदर। हाउएवर टाटा ने अभी कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं हाल ही में इस गाड़ी में, और का कहना है कि NVH अब इससे ज़्यादा बेटर हो गया है। पर हमने वो गाड़ी चलाई नहीं है इसलिए कमेंट नहीं कर सकते हैं। इसका जो स्टेयरिंग फील है ये अच्छा है, रिस्पॉन्सिव स्टेयरिंग है, लेकिन पार्किंग स्पीड्स पे ये थोड़ा हैवी लगता है। तो जब आप पार्क कर रहे हैं गाड़ी या पार्किंग से निकाल रहे हैं तो थोड़ा एफर्ट आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इन कंपैरिजन जीप कंपस और हेक्टर का जो स्टेयरिंग है ये काफ़ी लाइट है, पर जब आप इसे हाईवे पे चलाएं या रोड पे चलाएं तब इसका स्टेयरिंग लाइट लगता है, हैवीनेस इसमें महसूस नहीं होती है। टाटा हैरियर सिटी में 12 से 13 का माइलेज देती है और हाईवे पे ये 18 से 20 किलोमीटर तक का माइलेज भी देती है। अब इसका जो सस्पेंशन सेटअप है ये काफ़ी अच्छा है, जैसे सब टाटा गाड़ियों का होता है। आपको इसमें राइड अच्छी मिलती है। जो इसकी राइड क्वालिटी है ये बहुत फ्लैट नहीं है, थोड़ा मूवमेंट है इसमें, थोड़ा सा बॉडी रोल भी आपको काफ़ी मिलेगा। तो जब आप शार्प टर्न्स ले रहे हैं या ज़िगज़ैग तरीके से चला रहे हैं गाड़ी तो आप थोड़ा सा यहाँ वहाँ मूव ज़रूर होंगे गाड़ी में, और वो कहीं ना कहीं आपके कम्फर्ट को थोड़ा किल कर देता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका अच्छा है, तो ऊंचे नीचे रोड्स पे या जो अनऑथराइज स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उस पे भी चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके ड्राइविंग मोड्स हैं ये काफ़ी प्रोमिनेंटली आपको फील होते हैं। जब आप सिटी मोड पे चलाएं तो लीनियर पावर डिलीवरी मिलेगी बिल्कुल आपको, लेकिन स्पोर्ट मोड पे जैसे आप इसे करते हैं तो एक थोड़ा सा एक पुश मिलता है, थोड़ा पंच मिलता है इंजन से, एंड इट फील्स प्रीटी गुड। और ख़ास तौर से अगर मैं हैरियर को कंपेयर करूं हेक्टर और कंपस से तो इसकी फील थोड़ी अलग है। हेक्टर और कंपस में आपको एक कार लाइक फील आएगी, वो इसमें नहीं आएगी। आपको ज़रूर महसूस होगा कि आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, एक पिकअप ट्रक टाइप गाड़ी चला रहे हैं, वो फीलिंग आपको इसमें आएगी। हेक्टर में 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, पेट्रोल और डीजल। इनफैक्ट 3 आते हैं क्योंकि पेट्रोल में आपको एक हाइब्रिड का ऑप्शन भी मिलता है। पेट्रोल इंजन जो है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है और इसमें 143 bhp का पावर है। जो डीजल है ये 2 लीटर का टर्बो डीजल है और इसमें 170 bhp का पावर है। अब ये इंजन वही है जो जीप कंपस में भी आता है, डीजल इंजन, और इसके जो पावर स्पेक्स हैं ये भी सेम है। इसका जो हाइब्रिड वर्जन है उसमें एक बैटरी लगी हुई है जो पावर सप्लाई करती है इंजन को, और इससे अराउंड 20 Nm का टॉर्क एडिशनल मिलता है इसे। इसके साथ 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन आते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। 6-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन है जो डीजल और हाइब्रिड में आता है। पेट्रोल में आपको मिलता है 6-speed मैनुअल और एक DCT यानी ऑटोमेटिक ऑप्शन भी। अब इसका जो पेट्रोल इंजन है ये काफ़ी स्मूथ है, लीनियर पावर डिलीवरी है इसकी, तो आप अगर आराम से चलाना पसंद करते हैं गाड़ी तो आपके लिए ये सूटेबल है। डीजल जो है इसका काफ़ी पंची है, कंपस की तरह बहुत स्ट्रांग इसका पुल नहीं है, थोड़ा सा लीनियर है, पर जो ओवरऑल पावर डिलीवरी है इसकी ये काफ़ी अच्छी है। स्टीयरिंग इसका लाइट है, रिस्पॉन्सिव है, सिटी में भी काफ़ी लाइट है ये, और हाईवेज पे इसका जो वेट है ये काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ता है, एंड इट फील्स क्वाइट गुड टू ड्राइव। जो इसका राइड एंड हैंडलिंग है ये थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है, क्योंकि इसमें बॉडी रोल थोड़ा सा लिमिटेड है, स्पेशली आप अगर हैरियर से कंपेयर करें तो। लेकिन जब आप ऐसे बड़े स्पीड ब्रेकर्स पे जाएं या बड़े गड्ढों में जाएं तो थोड़े जर्क्स आपको अंदर ज़रूर महसूस होते हैं। हाउएवर जब आप इसे स्मूथ रोड्स पे चलाएं तो ये बहुत अच्छी तरह चलती है, स्मूथ चलती है। लैटरल मूवमेंट इस गाड़ी में काफ़ी कम है, एंड यू आर नॉट टॉस्ड अराउंड हियर एंड देयर, तो वो एक अच्छी बात है। एक कार वाली फील आती है इसमें रादर देन एक बड़ी SUV की फील। अब इसके माइलेज की बात करें तो जो ARAI सर्टिफाइड फिगर्स हैं वो इसके हाइब्रिड के लिए हैं 15.8 किलोमीटर्स टू लीटर। इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल है उसका 14.16 है, और DCT का जो फिगर्स हैं वो है 13.9 किलोमीटर्स पर लीटर। और डीजल वेरिएंट जो है जिसमें एक ही ट्रांसमिशन ऑप्शन आता है मैनुअल का, उसका है 17.4 किलोमीटर्स टू अ लीटर।
तो ये एक डिसेंटली फ्यूल एफिशिएंट एसयूवी है, इसके साइज के बावजूद भी जो फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलती है काफ़ी डिसेंट है। हाउएवर जो इसके गियर शिफ्ट्स हैं ये काफ़ी स्मूथ हैं और स्लॉटिंग भी इनकी काफ़ी इजीली हो जाती है। पार्किंग करते समय बहुत ही सहूलियत होती है हेक्टर में, क्योंकि इसमें 360 डिग्री का कैमरा आता है और बड़े स्क्रीन की वजह से जो व्यू आपको मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है चारों तरफ। तो इन तीनों में से आपके लिए कौन सी एसयूवी ज़्यादा सूटेबल है? वेल, जीप कंपस की अगर बात करें तो इसकी प्राइस शुरू होती है लगभग 16.5 लाख से और 28 लाख तक जाती है। एग्जैक्ट प्राइसेस आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये एक प्रीमियम एसयूवी है, जब आप इसे चलाएं तो आप महसूस भी कर सकते हैं। तो अगर आप सेल्फ ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं और आपके लिए परफॉर्मेंस ड्राइव डायनेमिक्स ज़्यादा मायने रखते हैं तो ये आपके लिए एक सूटेबल व्हीकल है। स्पेस अगर आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है तो आई थिंक जीप कंपस समवेयर फिट्स इन, एंड ऑफकोर्स आपका बजट भी अगर ये परमिट करता है तो यू शुड गो फॉर दिस एसयूवी। अब हम बात करते हैं टाटा हैरियर की। तो अगर आपको ऐसी एसयूवी पसंद है जो देखने में बड़ी हो, जिसके इम्पोजिंग लुक्स हो, जिसका रोड प्रेजेंस अच्छा हो, अंदर स्पेस काफ़ी सारा हो, तो ये आपको सूट करेगी। इसकी प्राइस शुरू होती है 13 लाख से और 16.5 लाख तक जाती है। प्राइस वॉक इसका बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको डीजल इंजन मिलता है और एक ही ट्रांसमिशन मिलता है मैनुअल का। पर इसमें कुछ खामियां ज़रूर हैं और ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स इसमें अभी हाल ही में हुए हैं। टाटा मोटर्स काफ़ी कोशिश कर रहा है इसे और इम्प्रूव करने की। हाउएवर, इस प्राइस पॉइंट पे ये एसयूवी अपने आप को जस्टिफाई करती है। परफॉर्मेंस इसका हाई पॉइंट नहीं है लेकिन इसकी ड्राइवेबिलिटी अच्छी है, लो एंड टॉर्क इसमें आपको अच्छा मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा, अगर ये सारी चीज़ें आपके लिए मायने रखती है तो यू कैन गो फॉर द टाटा हैरियर, इट्स अ गुड वैल्यू। अब हम बात करते हैं एमजी हेक्टर की। तो हेक्टर भले ही एक परफेक्ट एसयूवी नहीं है, कुछ खामियां इसमें ज़रूर हैं अगर आप इसके ड्राइव डायनेमिक्स की बात करें तो, पर जब इसके प्राइस पॉइंट को हम देखते हैं तो ये सारा इक्वेशन चेंज हो जाता है। इसकी प्राइस शुरू होती है 12 लाख से और 17 लाख तक जाती है लगभग एक शोरूम, और इस प्राइस पॉइंट में आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। आपको पेट्रोल और डीजल इंजन मिल जाते हैं, प्लस हाइब्रिड का ऑप्शन मिल जाता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस मिल जाते हैं, प्लस इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं। ये कनेक्टेड कार है तो उसके फीचर्स बहुत सारे हैं। उसके अलावा आपको इसमें पैनोरामिक सनरूफ, ऑटोमेटिक टेलगेट, इलेक्ट्रिक सीट्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, एंड दैट मेक्स इट अ वेरी गुड पैकेज। एंड ऑफ कोर्स ये एक नो ब्रेनर है कि अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो एमजी हेक्टर कम्स आउट एज द बेस्ट, और इसीलिए इस कंपैरिजन की ये विनर भी है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और गियर फ्रिक चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ड्राइव सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट्स।